Hi everyone, once again, welcome to my channel. Tumra shobai kemon acho? Chalo answer do, sab log kaise ho? तो मैं आज आप लोगों के साथ एक अमेज़न का मिनी हॉल शेयर करना चाहती हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए हैं. सारे मैंने हाउस होल्ड थिंग ही लिए, मैंने एसेंशियल चीज़ें ही खरीदी हैं, बेकार की चीज़ें खरीदी नहीं है, थोड़ा सा ही लिया है. चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन. तो फर्स्ट प्रोडक्ट है वनालाया का गिर काओ घी ऑर्गेनिक. ये मैंने लिया है अपने बेबी के लिए, तो उसको ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाने का सोच रही हूँ. तो घी तो मैं घर में बना ही लेती हूँ, तब भी मैंने सोचा चलो गिर का घी ट्राई करके देखते हैं, तो इसलिए मैंने लिया है. आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, बेबी इसे खा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ख़त्म हो चुका है. ये सच में बहुत टेस्टी है. बहुत ही अच्छा है. इसका प्राइस 500 रुपीज़ है. टेस्ट अमेजिंग है. और मैंने सेकंड प्रोडक्ट लिया है, ये फोल्डिंग क्या कहते हैं, स्टोरेज, इस तरह सा. ये 5 लेयर का है, 1, 2. बाकी लेयर्स तो मैंने लगाए नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने अरेंज करके आपको दिखा रही हूँ. आप लोग देख सकते हैं ये कैसा दिखता है. इसमें बहुत जगह है, बहुत स्पेस है, मैं इसमें कपड़े रख सकती हूँ, एनीथिंग. और ऊपर इस तरह से है. ये 5 लेयर है, पर मैंने अभी इसको 2 लेयर में सेट करके रखा है, 800 समथिंग. तो मैं इसका परचेस लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर स्क्रीन में कहीं पे दे दूँगी आप लोगों को. थर्ड प्रोडक्ट मैंने लिया है ये शेकर. ये हैंस कंपनी का है. कितना प्रिटी कलर है, मुझे बहुत पसंद आया. 2-3 कलर वैरायटी थी, पर मैंने ऑरेंज ही लिया है. इसको देख के किसका मन नहीं करेगा वर्कआउट करने के लिए, बताओ. मुझे तो बहुत मन कर रहा है वर्कआउट करने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिलता. ओके. तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है. ये एक कप है. अंदर स्टील बॉडी है और इसके साथ एक रिंग जैसा कुछ दिया है, जो कि आप इसमें आपका कोई भी पाउडर या फिर कुछ भी देके आप इसको डाल के इसको इस तरह से शेक कर सकते हैं और आपका शेकर तैयार हो जाएगा. और ये दिखता इस तरह से है. इसका प्राइस शायद 450 ऐसा कुछ पड़ा होगा. मैं आपको एवरीथिंग नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और थर्ड वन मैंने लिया है डिप प्लस गो. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, तो इसको ओपन करते हैं. वैसे मैंने देख चुका है, ये कुछ ऐसे दिखता है. ये ग्लास जार है, ऊपर प्लास्टिक है और ये सिलिकॉन है. इसको आपको ऐसे करके खोलना रहता है और ये आपको ऐसे खींचना पड़ता है. तो आप ऑयल डालो या फिर कोई भी मैरिनेशन आप इसमें डालोगे, फिर इसको ऐसे करके आप लगा दोगे और ये जो स्पेस बना है इसमें आप इसको डाल दोगे. उसके बाद जस्ट स्क्वीज इट, ऐसे करके छोड़ देना है, सारा ऊपर आ जाएगा, ऑयल हो मैरिनेशन ऊपर आ जाएगा. और फिर आपको इसको निकाल के चिकन में, पनीर में, किसी में भी आप इसको जस्ट ब्रश इट हिट कर देना है. बस मैरिनेशन रेडी. या फिर आप ग्रिल कर रहे हैं, कुछ भी तंदूरी आइटम बना रहे हैं, आप ऊपर से इसको ऐसे रब कर सकते हैं. इट्स वेरी यूजफुल. तो मैंने इसको लिया है. एंड द लास्ट वन इज दिस मास्क. ये इलेक्ट्रिक से चलता है, आप घर में स्पा कर सकते हैं, आपको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप इसको टोपी की तरह ऐसे डाल सकते हैं, आराम से रिलैक्स होके ऐसे डाल दीजिए
just plug in and switch on. That's it. ये अपने से गर्म हो जाएगा. आपको जितना टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे लिखा है हाई लो ऑफ. आपको जो टेम्परेचर चाहिए आप ले सकते हैं, हाई ले सकते हैं, लो ले सकते हैं. दिस इज़ वेरी यूजफुल. तो मैंने एक ये वाला लिया है. अंदर प्लास्टिक है और ये ऊपर से पिंक कलर का है. दिस इज़ सैटन क्लोथ और अंदर प्लास्टिक है. आप चाहो तो ये जिप है. अब चाहो तो अगर कभी अंदर गंदा हो गया तो आप इसको अलग से करके धो सकते हो, फिर इसको अटैच कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हेयर ट्रीटमेंट, हेयर स्पा. आप घर पे बैठ के कर सकते हो. इसे ये भी अराउंड कुछ 500 ही लिया था, तो मैं आपको देख के सब कुछ बता दूँगी. तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है, तो मैंने एक ये लिया है. तो मैंने आप सबके साथ अमेज़न का हॉल शेयर किया है. ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ घर की ज़रूरतों वाला सामान ख़रीदा है. डैट्स इट. अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़फुल लगे तो आप मुझे बताना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. अभी के लिए बाय, टेक केयर.